आज मैं अपने चैनल पर आपको दाल मखनी बनाकर दिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी, जिसको देखकर आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। बिल्कुल होटल जैसी ये दाल मखनी आपको लगेगी। दाल मखनी का मसाला बनाने के लिए मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं जिनको बारीक चॉप किया है, 3 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक चॉप किया है, 6 हरी मिर्च और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा उसको मैंने बारीक चॉप किया है। पाउडर मसालों में मैंने 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए, ये खाने में हल्का होता है, इसका कलर ज़्यादा होता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है। नमक हमने राजमा बॉईल करते में भी इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको हम ध्यान से इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच हमें फ्रेश मलाई चाहिए, या आप क्रीम भी ले सकते हैं पैकेट वाली, मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है जो फ्रेश है। 1 पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल गरम किया है, इसमें हम प्याज डालकर फ्राई करेंगे। साथ में इसमें जीरा भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम ये लहसुन अदरक और ये मिर्च डाल देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ ही इस पाउडर मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ये टमाटर चॉप डाल देंगे। थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भूनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम अपनी बॉईल की हुई दाल मिलाएंगे और इसको फिर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम अपनी बॉईल की हुई दाल में, दाल मखनी में मिलाएंगे और इसको मिलाने के बाद कम से कम 5-7 मिनट का हम दाल को अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद हम दाल को मलाई के साथ गार्निश करेंगे। देखिए हमारा राजमा और उड़द बॉयल होने के बाद ऐसे लगेंगे और इसमें मैंने 1 प्याज और 1-2 तेज़पत्ता डालकर इसको बॉयल किया है और इसमें हम ये मसाला अब ये ऐड कर देंगे जो हमने मसाला भुना है, ये हम इसको ऐड कर देंगे अच्छी तरह से और इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मैश करेंगे। देखिए इसमें हम अब ये मलाई मिला देंगे, माल करेंगे। देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी दाल मखनी बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको सर्व करते टाइम ऊपर से फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप भी इस तरह से क्रीम या घर की मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही यम्मी है। आप इसे देखिए, बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।